मेरे साथ है कुणाल, और कुणाल से बात करते हैं उनकी नई फिल्म के लिए। मेरे हिसाब से इससे खूबसूरत राग आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा ना? नहीं, मैंने सुना नहीं और ना देखा है। कौन सा राग है? राग देश। ओके, पहली बार जब ये राग सुना तब क्या सोच के लगा था कि किस तरह की फिल्म होगी? जब मैंने पहले ये सुना, कहानी सुनी, मुझे लगा, सबसे पहले तो मेरा मुझे ये ख्याल आया कि इसके ऊपर पहले पिक्चर क्यों नहीं बनी, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो बड़े पर्दे पर बनी है। इसमें वॉर है, इसमें कोर्टरूम ड्रामा है, इसमें इमोशन है, इसमें रोमांस है, इसमें एक्शन है, तो सारी चीज़ें जो एक अच्छी पिक्चर में होनी चाहिए वो हैं। और दूसरा, ये हमारे इतिहास का एक इतना अहम पन्ना है जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है, तो मुझे थोड़ा सरप्राइज, आई वाज अ लिटिल शॉक्ड आल्सो, और बुरा भी लगा कि ये जो लोग थे इन्होंने इतना कुछ किया देश के, मतलब कहा जाता है कि शाहनवाज सहगल और दिल्लन जब शहर से शहर जाते थे तो कम से कम 2-3 लाख लोग इनको देखने आया करते थे, इतने बड़े हीरो थे, लेकिन फिर भी हम इनके बारे में कितना कम जानते हैं। तो एक फैसिनेशन और एक शर्म का मिक्सचर था। अच्छा, आप मैं आपको मैं देख रही हूँ, आपने वेल ड्रेस्ड हो, आप यूनिफॉर्म में कितने कद लगे हुए हैं। सर बताइए, सेट पे कितनी लड़कियां गिराई आपने? ये मैंने तो एक्चुअली बहुत लड़कों को गिराया, क्योंकि ये वॉर फिल्म है तो आप बंदूकों के साथ बहुत लड़कों को गिराना पड़ा। ये स्टाइल आइकॉन, अगर मैं आपको बोलती हूँ, बहुत सारे इसमें टिप्पणियां देती जो उनको अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, और मैं उनकी एडवाइस सुनता भी हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करती कि ये मेरा चॉइस, मम्मी नहीं बनती हूँ कि बेटे आज आपको मेरे कपड़े पहनने, वो वैसा नहीं होता। ओके, वो आपको फिल्मों के जरिए जानती हैं, हाउ वाज इट विद हर, जस्ट वांट टू नो, जैसे हम लोग मिले, हमको मिले हुए 7-8 साल हो गए हैं, और वी डेटेड फॉर अ व्हाइल फॉर अबाउट 5 इयर्स, एंड आफ्टर दैट वी गॉट मैरिड, वी बीन मैरिड फॉर 2 इयर्स। कभी लड़ाई-वड़ाई नहीं हुई? लड़ाइयां तो ऑफ कोर्स होती हैं, कोई भी रिलेशनशिप में होती हैं, लेकिन लगता है कोई भी रिलेशनशिप का हिस्सा होता है। जब वो आपकी फिल्म्स में आपको जाते हुए काम करते हुए देखती हैं तब किस तरीके से विदा करती है? एक जल्दी आना, तिलक पे लग लगा के, मतलब आरती वारती विदा, मतलब मैं जंग पे थोड़ी ना जा रहा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब ये जंग वाले काम करते हैं तो क्या उसके लिए आपको घर पे से कोई तैयारी करके जानी पड़ती है? क्योंकि शायद एक तो समय बहुत अलग था, वो एरा जो बहुत कम लिखा पढ़ा देखा सुना, तो उसमें क्या तैयारी की? तैयारी तो बहुत ही, एक तो मतलब ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी उस जमाने में लोगों की, मेरे कैरेक्टर का एक्सेंट बहुत अलग था, एक पंजाबी और उर्दू का मिश्रण है, क्योंकि वो पंजाबी भी थे और मुस्लिम भी थे, तो उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ी। मैंने उनके जो जो रीजन से आते हैं उनके, उस रीजन के बहुत सारे लोगों को सुना, उनकी आवाज़ को सुना, बार बार सुना, फिर देखा कि मुझे क्या लगता है कौन सा मैच करेगा सबसे ज़्यादा, तो फिर उस एक्सेंट को उठाकर उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसके अलावा मुझे लगता है सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो इनकी मानसिकता को समझना था, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो देश के लिए मरने के लिए तैयार थे, ये ऐसे जो लोग थे जो ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आइडियलिज्म में बिलीव करते थे, हम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो वो मानसिकता को समझना और वो देखना कि इनकी सोच कितनी अलग थी उसको समझना बहुत ज़रूरी था। मैंने आपको भी कहीं बोलते हुए सुना है ओ हर्ट कि हिस्ट्री शायद पढ़ाई ढंग से नहीं जाती। जी बिल्कुल, मेरा मानना है कि बहुत ही बोरिंग तरीके से पढ़ाई जाती है, प्लीज आपका पता नहीं, मुझे जब मैं स्कूल में था मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, क्योंकि बड़ी मिल रहा आपका पता नहीं। आप शायद और इंटरेस्टिंग हो गई हो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा। जस्ट यू वांट टू से दैट आई एम यंगर देन यू, आई थिंक लाइक अ कॉम्प्लीमेंट देन। आपका नहीं, आपका। अच्छा, आपका। हां, मेरा नंबर कट जी। तो आपका पता नहीं, लेकिन हाँ बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाई जाती थी उस वक्त, तो डेट्स हमेशा, मतलब 1890 में कौन आया था, 1910 में कौन गया था, उसी में समय निकल जाता था। तो मेरा मानना है कि पिक्चरों की बहुत ज़रूरत है हिस्टोरिकल टॉपिक्स के ऊपर, क्योंकि वही जो एक चीज़ है जो हमारी हिस्ट्री को एक बहुत ही एंटरटेनिंग, इंगेजिंग तरीके से पेश कर सकती है। और बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में इतना कम ही कम
हिस्टोरिकल पिक्चर बनती हैं, और जब बनती भी हैं उसको इनऑथेंटिक कर देते हैं. जो सोल्जर है गाना गा रहा है, माँ को याद कर रहा है, मतलब बहुत ही इनऑथेंटिक तरीके से उसको बना देते हैं हम लोग. तो एक जबकि आप हॉलीवुड पिक्चरों को देखें तो हर साल 3-4 पिक्चरों की हिस्ट्री के बारे में आती है, बहुत ही एंटरटेनिंग एंगेजिंग पिक्चरें होती हैं, बॉक्स ऑफिस में सक्सेस होती है. तो होपफुली दिस विल बी अ फिल्म दैट चेंजेस ऑल दैट. हिस्ट्री में मैं बहुत अच्छा नहीं था, मैं ठीक ठाक था, मतलब डेट्स को याद कर लेता था, मगर मुझे मेरा मेरी रुचि नहीं थी हिस्ट्री. अच्छा, एक जाते जाते ये पूछना चाहेंगे, चूंकि ये एक ऐसी फिल्म है जो पेट्रियाटिज्म या देशभक्ति को जगाने का काम, एटलीस्ट वो मुहिम पर निकल चुकी है, आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम किया जहां आपको लगा कि हाँ मैं देशभक्त हूँ? जी, पहले तो मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि देशभक्ति का मतलब क्या है. आजकल देशभक्ति का मतलब हो चुका है कि आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट कर दीजिए और आपको लगता है कि आप देशभक्त हो. मेरा मानना है देशभक्ति का मतलब है कि आपके जो देश जो आइडियल्स पे खड़ा हुआ है, वो वैल्यूज़ पे खड़ा हुआ है, उसके लिए आप लड़ रहे हो, वो देशभक्ति होता है. देशभक्ति किसी और को मानना नहीं. मैंने अपने ढंग से कोशिश की है. मेरा एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है केटो, जो सोशल कॉजेज़ के पैसे रेज करता है, और आज तक हम तकरीबन पिछले 6 साल में 100 करोड़ रेज कर चुके हैं सोशल कॉजेज़ के लिए. मेरा मानना है कि जो आपको लगे कि देशभक्ति है, जो वैल्यूज़ हैं देश के, उसके लिए उसको आप अपनी लाइफ में जितना अप्लाई कर सकते हैं उतना अप्लाई कीजिए, वो मुझे लगता है देशभक्ति है. एक बार अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से? बस ये कहूँगा कि 28 जुलाई को आइए, अगर आपको अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन चाहिए, एक इंस्पायरिंग स्टोरी देखना चाहते हैं, एक एंटरटेनिंग स्टोरी देखना चाहते हैं, अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो राग देश से बेहतर पिक्चर नहीं हो सकती. थैंक यू सो मच.